आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस वेब सीरीज की आगे की कहानी। अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप जोरो, नामी और लूफी को बोट पर दिखाते हैं, जहाँ पर नामी अब उस चुराए हुए बॉक्स को खोल लेती है और उन्हें ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल जाता है। इसके बाद नामी जोरो और लूफी को बताती है कि समुद्र चार दिशाओं में बटा हुआ है और जमीन की लाइन को रेड लाइन कहते हैं। जो लाइन इसको काटती है उसको ग्रैंड लाइन कहते हैं। अब ये तीनों यहाँ जाकर वन पीस ढूंढने की बात करते हैं। तभी वहाँ पर जोकर के लुटेरे आकर उनकी बोट पर हमला कर देते हैं और उनके ऊपर बेहोश होने की गैस फेंक देते हैं। इससे नामी और जोरो तो बेहोश होने लगते हैं, लेकिन लूफी दिमाग चलाकर पहले ग्रैंड लाइन का नक्शा अपने मुंह में छुपा लेता है। फिर लूफी भी बेहोश हो जाता है। अब जब इन तीनों की आंखें खुलती हैं, तो तीनों ही कैद हो चुके थे और लुटेरों ने इनकी सारी चीजें भी ले ली होती हैं। लूफी कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ग्रैंड लाइन का नक्शा मेरे पास सेफ है। अब एकदम से उनके बॉक्स का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर जोकर एक शो दिखा रहे होते हैं और वहाँ पर मौजूद लोगों को गुलाम बनाकर उनसे जबरदस्ती तालियां बजवाई जा रही थी। उसी समय वहाँ पर जोकर आता है, जो अपना नाम बगी बताता है और लूफी उसको देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि लूफी को कई सारे पायरेट्स के बारे में पता था। लूफी कहता है कि मैं बहुत जल्द पायरेट्स का किंग बनने वाला हूँ। तभी बगी हंसता हुआ कहता है कि तुम नहीं, बल्कि मैं वन पीस को ढूंढकर पायरेट का किंग बनूंगा। फिर बगी कहता है कि मुझे ग्रैंड लाइन का नक्शा दे दो, लेकिन नामी अपनी चलाकी दिखाते हुए कहती है, हमारे पास ग्रैंड लाइन के मैप से बढ़िया और कुछ है। और वह लूफी की टोपी को हवा में उछालकर भाग जाती है। तभी लूफी अपनी टोपी को पकड़ने के लिए अपना हाथ लंबा करता है और ये देखकर बगी हैरान हो जाता है। अब भागते हुए नामी सर्कस से तो बाहर पहुंच जाती है, लेकिन उसको अपने सामने पूरा शहर ही उजड़ा हुआ दिखता है और पीछे से बग्गी के लोग आकर नामी को पकड़ लेते हैं। फिर अब तीनों दोबारा बग्गी के सामने होते हैं, जहाँ से नामी और जोरो को तो बग्गी के चेले अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन बग्गी लूफी से मैप के बारे में पूछता है और लूफी वहाँ उसे कुछ भी नहीं बताता। तब बग्गी उसे सजा के तौर पर उसके हाथ पैरों को खींचने लगता है, लेकिन लूफी को तो इससे और भी ज्यादा मजा आता है। तब बग्गी लूफी की टोपी पे ध्यान देता है तो उसको याद आता है कि ये तो शैंक्स की हेड है। बग्गी फिर बताता है कि तुम्हारी उम्र में मैं भी शैंक्स की टीम में था, लेकिन शैंक्स ने मुझे धोखा दे दिया। उसके बाद बग्गी मैप के लिए लूफी को एक बच्चे को मारने की धमकी देता है और लूफी तभी अपने आप को छुड़ाकर अपने गमगम पिस्तों से बग्गी की गर्दन अलग कर देता है। लेकिन शरीर से सर उड़ने के बाद भी बग्गी जिंदा रहता है और बताता है कि तुम्हारी तरह मैंने भी डेविल फ्रूट खाया है। फिर बग्गी बेहोशी की गैस से दोबारा लूफी को बेहोश कर देता है। इधर नामी और जोरो कैद में थे, लेकिन नामी अपने पास एक चाबी से उस ताले को खोलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर बग्गी का एक आदमी आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि जोरो ने इसके भाइयों को बहुत बुरी तरह से मारा था, इसलिए जोरो को मारना चाहता है। फिर वह जोरो को घुमाता है और उस पर निशाने लगाने लगता है और एक बेहतरीन निशानेबाज होने के कारण उसका एक भी निशाना नहीं लगता और उल्टा जोरो का एक हाथ खुल जाता है। पीछे से नामी अपना लॉक खोल लेती है और उसके पीछे से एक लात मारती है और जोरो उसको पकड़ लेता है। फिर नामी अब जोरो का दूसरा हाथ भी खोलती है और जोरो उस आदमी को बेहोश करके वहाँ से चला आता है। अब दूसरी तरफ गार्क आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहाँ मॉर्गन कहता है कि उसके बेटे की गलती के कारण वो पायरेट ग्रैंड लाइन का मैप चुरा ले गए। मॉर्गन साथ ही बताता है कि यह है कोबी, जो नया कैडेट है, इसने ही मेरे बेटे को बचाया है, वरना वो भी मारा जाता। गार्क कोबी के पास आता है और वह समझ जाता है कि ये लड़का भी लूफी के साथ मिला है, इसलिए वो उसको अकेले में अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम उन पायरेट के साथ कब से काम कर रहे हो। वहीं पीछे खड़ा गार का साथ ही कहता है कि तुम्हें एक बार तो लूफी के साथ देखा भी गया था। तब कोबी डर के मारे पूरी कहानी बता देता है कि लूफी ने उसे कैसे कैद से छुड़ाया और वो यहाँ कैसे पहुँचा। साथ ही कोबी कहता है कि मैं बचपन से ही मरीन बनना चाहता था, इसलिए मैं यहीं पर रुक गया। गार्क कोबी पर भरोसा कर लेता है और उसको लूफी को पकड़ने के लिए अपनी टीम में शामिल भी कर लेता है। इधर बग्गी ने लूफी को एक टैंक में बंद कर दिया था जिसमें समुद्री पानी भर रहा था और समुद्री पानी में डेविल फ्रूट की पावर एकदम खत्म हो जाती है। बग्गी फिर लूफी से वो मैप दोबारा मांगता है और लूफी कुछ भी नहीं कहता। तब बग्गी पानी की स्पीड और बढ़ा देता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी शैंक्स के जाने से उदास था। तभी वहाँ पर एक दूसरा पायरेट आता है और वो लूफी को ही मारने लगता है। तभी शैंक्स वहाँ आकर लूफी को बचा लेता है और उस पायरेट की टीम को भी धो डालता है, लेकिन वो पायरेट का सरदार किसी तरह से लूफी को उठा ले जाता है और ये दोनों बोट पर होते हैं। तभी उस बोट पर एक जीव हमला करता है और बोट पलट जाती है। पायरेट तो पानी में डूब के मर जाता है, लेकिन जब लूफी पानी में डूब रहा था
तभी शैंक्स लूफी को आकर बचा लेता है और वो जीव भी पानी से बाहर आकर उन पर हमला कर देता है। तभी शैंक्स पूरी हिम्मत के साथ उससे लड़ता है और शैंक्स की आंखें देखकर वो जीव पानी में वापस लौट जाता है। लेकिन हमले के दौरान शैंक्स के एक हाथ को उस जीव ने खा लिया था और ये देखकर लूफी को काफी दुख होता है और वो सोचता है कि शायद वो अभी पायरेट बनने के काबिल नहीं है। अब शैंक्स वापस अपने सफर पर जाने लगता है, इसलिए वो जाते जाते लूफी को अपनी हेड देता है और यही हेड लूफी के पास शैंक्स की आखिरी निशानी थी जिसे वो खुद से कभी अलग नहीं करता। अब प्रेजेंट सीन दिखाते हैं जहां बगी लूफी की उसी हेड को खराब कर रहा होता है और लूफी ये देखकर काफी गुस्सा करता है। तभी वहां पर नामी और जोरो पहुंच जाते हैं और उस टैंक को चटका देते हैं। इससे डरकर बग्गी अपने सारे साथियों की ओर देखता है जो उसे कहीं नहीं दिखते क्योंकि उन सबको तो पहले ही जोरो ने सुला दिया था। अब वो टैंक टूटता है और लूफी बाहर आता है और उसी दौरान लूफी के मुंह से मैप भी बाहर निकल जाता है। लूफी मैप की परवाह किए बिना पहले हैट उठाता है और इधर जोकर उस मैप को ले लेता है। तभी जोरो अपनी तलवार से उसे काटता है लेकिन अपनी पावर्स के कारण वो जोकर बच जाता है और फिर वो जोकर उल्टा अपनी शरीर के टुकड़े करके नामी और जोरो को मारने लगता है। तभी लूफी उठता है और बग्गी पर हमला करता है और बग्गी लूफी पर भी भारी पड़ने लगता है। तभी वहां पर लूफी को कई सारे बॉक्सेस दिखते हैं। तब लूफी अपना दिमाग चलाता है और नामी को इशारा करके बग्गी के सारे टुकड़ों को उन बॉक्सेस में फेंकता है और नामी भी उन बॉक्सेस को बंद करती चली जाती है। इससे बग्गी बहुत ही छोटा हो जाता है और फिर लूफी अपनी पावर से उसे उड़ा के फेंक देता है। अब लूफी उस मैप को नामी के पास देता है क्योंकि अब वो तीनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। उसके बाद ये तीनों मिलकर वहाँ कैद हुए लोगों को आजाद कर देते हैं। इधर गार्क ने कैप्टन मॉर्गन को ही बंदी बना लिया था क्योंकि मॉर्गन एकदम भ्रष्ट था। अब गार्क लूफी को पकड़ने का जिम्मा खुद उठाता है और अपने सैनिकों में कॉबी और मॉर्गन के बेटे हेलमेपो को भी शामिल कर लेता है। उसके बाद इधर लूफी सबको आजाद करने के बाद अपने ग्रैंड लाइन के सफर पर निकल जाता है और नामी फिर अंदर जाकर किसी से बात करते हुए कहती है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा मेरे पास है और मैं आ रही हूँ, यानी कि नामी इन सबको धोखा दे रही है। उसके बाद हमें सायरप विलेज के 7 साल पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उसोप नाम का एक बच्चा हर किसी को ये कहकर डराता है कि लुटेरे आ रहे हैं। शुरुआत में तो ये सुनकर हर कोई डरता था लेकिन धीरे धीरे लोग समझ गए कि ये बच्चा झूठ बोलता है, इसलिए कोई भी उसकी बात पर अब विश्वास नहीं करता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ उसोप अभी भी यही कहकर सबको डराता है कि लुटेरे आ रहे हैं, पर उसोप से अब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इधर अब लूफी और आगे बढ़ते हैं लेकिन उनका जहाज रास्ते में ही खराब होने लगता है। इसी कारण से वो सब नए जहाज के लिए उसोप के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और उनका पुराना जहाज वह पानी में ही डुबा देते हैं जिससे उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। अब गार्क लूफी को ढूंढने के लिए शिप पर था। यहाँ पर वह देखता है कि सबसे अच्छा काम कोबी ही कर रहा था, इसलिए वो अपने साथ कोबी को ले जाता है और ये सारा काम अब वो हेलमेपो से करवाता है। इधर बग्गी वापस आकर अपने सारे पार्ट्स उन बॉक्सेस से निकाल लेता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो बग्गी को कहता है कि तुम्हें आर्लोंग ने बुलाया है। बग्गी ये सुनकर आर्लोंग के पास जाने से मना करता है जिससे वो आदमी बग्गी को मारकर बेहोश कर देता है और फिर अपने साथ ले जाता है। इधर लूफी नया जहाज देख रहा होता है, तभी उसे एक जहाज बहुत पसंद आता है। उसी जहाज पर उन्हें उसोप मिलता है जो उस जहाज की पूरी मरम्मत और देखभाल करता है। उसोप कहता है कि अगर तुम्हें ये जहाज चाहिए तो मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवा सकता हूँ जिसका ये जहाज है, या यूं कहें कि उसी का ये पूरा आइलैंड है। ये सुनकर वो तीनों उस लड़की से मिलने जाते हैं। फिर उसोप उन्हें एक बहुत ही आलीशान बंगले में ले जाता है जहाँ पर एक लड़की अपने बटलर क्लाडोर के साथ आती है। उस लड़की का नाम काया था। काया का आज 18वां बर्थडे था और उसोप उसको बर्थडे विश करता है और लूफी को अपने साथ ही बताता है। काया उनसे मिलकर काफी खुश होती है और उसकी पूरी टीम को खाने पर इनवाइट करती है। तब क्लाडोर उन सबको नहा धोकर कपड़े बदलने के लिए कहता है। अब हमें पता चलता है कि काया के माँ बाप की बहुत पहले ही मौत हो चुकी है और काया भी काफी बीमार रहती है जिसके कारण उसका घर वहाँ के नौकर और क्लाडोर ही संभालते हैं। अब काया घर में अकेली बैठी थी तभी वहाँ पर खुफिया रास्ते से उसोप उसके पास आता है और उसको एक मोती गिफ्ट देता है और फिर काया को खुश करने के लिए वो कई सारी कहानियां सुनाता है। कहानी सुनते सुनते काया को खांसी आती है और उसोप उसको चाय देता है जिससे काया को रिलीफ मिलता है। अब यहाँ लूफी और नामी कपड़े देखकर कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि आखिर वह कौन से कपड़े पहने। तभी वहाँ जोरो आता है और वो लूफी को कहता है कि काया के साथ जो आदमी था वो जाना पहचाना नहीं लग रहा था। इधर क्लाडोर काया को अपनी बातों में फंसा कर रखता है और हमें पता चलता है कि क्लाडोर तो नौकरों के साथ मिलकर काया को मारने का प्लान बना रहा था ताकि क्लाडोर इस आइलैंड पर राज कर सके। साथ ही क्लाडोर काया को रोज थोड़ा थोड़ा जहर भी देता है जिससे काया बीमार रहती है। इधर दूसरी तरफ गार्क टोबी को अपने साथ गेम खेलने के लिए बुलाता है
और फिर वो टोबी को समझाता है कि अगर तुम हार के बारे में सोचते रहोगे तो तुम हारते ही रहोगे, इसलिए तुम जीत के बारे में सोचो और खेलो। और फिर टोबी कॉन्फिडेंट होकर गेम खेलता है और गार को उसी के गेम में हरा देता है। इधर नामी, लूफी और जोरो सब पार्टी में मजे ले रहे होते हैं। तब वहाँ पर नामी की बात काया के एक नौकर से होती है जिसका नाम मैरी होता है। उसके बाद जोरो क्लाडोर के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं। तब क्लाडोर मना कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ मैरी काया से कुछ बात करना चाहता था लेकिन क्लाडोर आकर उसे रोक देता है और सबको खाना खाने के लिए कहता है। अब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो लूफी काया से उस जहाज के बारे में पूछता है। तब काया कहती है कि मेरे माँ बाप के जाने के बाद पहले सारा बिजनेस मैरी संभालता था लेकिन आज के बाद मैं संभालूंगी क्योंकि मैं आज 18 साल की पूरी हो जाऊंगी। तब लूफी काया को कहता है कि हम पायरेट्स हैं और हमें तुम्हारा वो जहाज चाहिए ग्रैंड लाइन में जाने के लिए। और तभी एकदम से काया की तबीयत बिगड़ जाती है और फिर क्लाडोर सबको कहता है कि आप सब जाइए, लेकिन काया सबको आज रात वहीं रुकने के लिए कहती है। उसके बाद क्लाडोर काया को उसके रूम की तरफ ले जाता है। इधर हेलमेपो गार्क को आकर बताता है कि एक आइलैंड के पास लूफी के जहाज का सामान मिला है। यह सुनते ही गार्क कोबी को लूफी को पकड़ने के लिए आइलैंड पर जाने के लिए कहता है। उसके बाद क्लाडोर अब मैरी को जान से मारने वाला होता है क्योंकि मैरी काया को सारी सच्चाई बताने वाला था। तब हमें क्लाडोर की ब्लेड वाली पावर्स दिखाते हैं और उससे वो मैरी को मार देता है। अब यहाँ हमें बग्गी द जोकर को दिखाते हैं जो अब आर्लोंग के पास था। आर्लोंग बग्गी को धमकी देता है कि मैं इस पूरे ईस्ट ब्लू का सबसे बड़ा पायरेट हूँ, इसलिए तू जो भी यहाँ से लूटेगा उसमें आधा हिस्सा मेरा होगा। तब बग्गी आर्लोंग को कहता है कि मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ बल्कि एक लूफी नाम का लड़का ईस्ट ब्लू में घूम रहा है और उसने तो ग्रैंड लाइन का नक्शा भी चुरा रखा है। तब आर्लोंग पूछता है कि लूफी कहाँ मिलेगा और फिर बग्गी कहता है कि चलो मिलकर लूफी को ढूंढते हैं और फिर ये दोनों अब लूफी के पीछे पड़ जाते हैं। दोस्तों ये वेब सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग बनती जा रही है जिसमें लूफी के बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं। अब आगे कहानी में पता चलेगा कि लूफी इन सारे दुश्मनों से कैसे लड़ता है। दोस्तों इसके आगे की कहानी हम बहुत जल्द एक्सप्लेन कर देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको एक मॉन्स्टर वाली मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।